चुपके चुपके आया बिन बुलाया मेहमान, मेरे दिल में थोड़ी खामी सी जगा दी। मैं कभी भूलूंगा ना तुझे, चाहे तू मुझको देना भुला। बहुत ज्यादा अच्छे होगे, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। ओके, ये रख दो पहले। मैं मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं सब खुश रहो, सब हैप्पी रहो, बस आई लव यू ऑल गाइज। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकती आप लोगों के लिए। जब भी मेरा बुरा वक्त भी होता है, इवन आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, हमेशा बोलते हो दीदी क्या हो गया, मैं मुझे उस वक्त सिर्फ एक चीज़ फील होती है कि हाँ मुझे वीडियो मुझे एक पोस्ट डालनी है, मुझे एक पोस्ट डालने की देरी होती है कि मुझे बहुत सारे मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यार करने वाले मुझे कहते रहते हैं कि दीदी क्या हो गया क्या हो गया। इवन मुझे इतना मेरी फैमिली भी नहीं पूछती है कि खुशी क्या हो गया है। और आप लोग बहुत क्या बोलूँ मैं, गॉड गिफ्ट नहीं होता है, आप लोग मेरे लिए वो हो। एनीवेज, ये वाला लुक ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब लोग ना मुझे भी हैप्पी दिवाली विश करना, ये नहीं कि आप लोग अकेले मेरे विशेस ले रहे हो। ये वाला लुक ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। किसी भी पार्टी फंक्शन, आपके घर में शादी है, डेफिनेटली खुद से क्रिएट कर सकते हो। पार्लर जैसा ग्लो है, बिल्कुल डूई ग्लोई सिंपल, इतना सिंपल और इजी लुक है ना मेरी प्यारी सी टीन्स के लिए कि झटपट में हो जाए ऐसा लुक है। मैसी बन क्रिएट करने की कोशिश की है। क्लीन गर्ल लुक सुना है ना, मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये ना कुछ वैसा ही लुक है। बट उसके साथ मैंने हैवी लहंगा वियर किया है, हैवी नहीं कहूँगी इसको, बट हाँ हैवी है, ऐसी बात नहीं है। ज्वेलरी ऐड की है, उसकी वजह से लुक इतना ज़्यादा निखर के आ रहा है ना, लुक भी बहुत सुंदर हुआ है। देखो कितना डोई एंड ग्लोई सा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। इतना सिंपल लुक है और इतना ईजी लुक है और इतना प्यारा लग रहा है ना कि किसी के आगे भी जाओगे ना झटपट में बस पसंद आ जाओगे, इतना सुंदर लुक है। और इसके साथ हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। तो मैंने कैसे किया हेयर स्टाइल, कैसे क्या डिटेल वगैरह लहंगे का, ज्वेलरी का, सब मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगी। मैसी बन का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी, ठीक है? ओके, सो प्लीज अब मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय कंटेंट सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, प्लीज प्लीज प्लीज। नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा बिकॉज रात के 2 बजे मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर मम्मी पापा सो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा। ओके, एनीवेज आप लोग को मेरी आवाज़ तो आ ही रही है ना। टोनर लगा लिया, स्किन केयर कर लिया अच्छे से, मामा अर्थ का यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, बहुत अच्छा वाला है यार, ट्रस्ट मी, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। रहने का ना यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्राइमर, इससे ना आपको एक अलग सा ग्लो मिल जाता है, ऐसा लगता है आपको अंदर से एक ग्लो आ रहा हो। और मेरी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, टच वुड। ओके, ये ना मीशो से मैंने एक पैलेट ली थी चीपेस्ट मेकअप में, ठीक है, बहुत सस्ती पैलेट है बट इसका काम बहुत अच्छा है।
बीबी पैलेट है, बीबी नाम है इसका, कोई ब्रांड नहीं है। इसमें से मैंने ब्लू और ग्रीन कलर लिया। जस्ट मैंने मेरे जहाँ जहाँ पे मतलब लाइक मुझे ज़रूरत है, पिगमेंटेड स्किन है ना, वहाँ वहाँ पे मैं लगा लूँगी। नायका का यहाँ पे मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, अच्छे से डॉट डॉट करके अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी। आधे से ज़्यादा मेरा मुँह तो इसलिए बन रहा है क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो ब्यूटी ब्लेंडर खा जाता है। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है ना? ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल। कल सुबह दिवाली का व्लॉग बनाऊंगी बिकॉज कल दिवाली, और मैं व्लॉग ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, कल दिवाली का व्लॉग बनाऊंगी। एनीवेज, मेबलिन का यहाँ पे मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, वो बहुत ही लाइट फाउंडेशन है, इसलिए ना मैं उसको थोड़ा सा लाइक जहाँ जहाँ पे हम लोग कंसीलर करते हैं ना, जहाँ जहाँ हमको हाईलाइट की ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ। आज का मेकअप ना बहुत ज़्यादा मैं लाइट रखूँगी, पिंकिश पिंकिश टाइप का लुक रखूँगी, पर यार बहुत सुंदर था। मतलब ये ना मेरा ऑल टाइम फेवरेट लुकअप हो गया है। लाइक इसको ना मैंने कुछ दिन पहले किया था एक शॉर्ट में, तब से मुझे बहुत पसंद आ गया है। ब्लू हेवन का यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, पूरा अपना बेस अच्छे से सेट कर लूँगी। वापस मैंने मेबलिन का फाउंडेशन लिया और मामर्थ की लिपस्टिक ली, उससे ना मैं लिक्विड ब्लश बनाऊँगी बिकॉज मेरे लिक्विड ब्लश मिल नहीं रहा था। गैस करो मुझसे यहाँ पे क्या गलती हुई, मैं बताती हूँ। देखो नहीं हुआ ना गैस आपसे, मैं बताती हूँ। देखो मैंने जब सेट किया ना, मुझे सेट करने के पहले ही लगा देना चाहिए था, एट देन वो ब्लेंड तो हो गया था, बट थोड़ा सा ब्लेंड करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था, पैच पड़ जाता है यू नो। अगर हम पहले कर देते उसके बाद अपना मेकअप सेट करते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम हम भी ध्यान रखेंगे। ओके, आप तो ध्यान ही रखना है, ठीक है। पिंक कलर लिया, आज आई लुक में कोई भी एफर्ट्स नहीं डालने हैं, पिंक कलर लिया, जस्ट मैंने उसको बहुत सिंपल सा स्मज कर लिया अपने आईज़ में। वापस से मैंने एक पर्पल शेड लिया, उसको ना आईज़ के क्या बोलते हैं, इनर कॉर्नर बोलते हैं ना उसको, मतलब एट द एंड लास्ट वाले लिड मतलब कॉर्नर में लगा लूँगी, लोअर लाइन में लगा लूँगी, अच्छे से स्मज कर लूँगी। और शुगर की मैंने यहाँ पे फेस पैलेट लिया, बहुत अच्छी फेस पैलेट है, पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी, इसका हाइलाइटर मैं अपनी आईज़ भी लगा लूँगी, ठीक है। इससे कॉन्टोर कर लूँगी मेन मेन जगह पे, कॉन्टोर करने से थोड़ा सा फेस पतला लगता है, चबी चबी सा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा डायमेंशन मिल जाती है आपके फेस को, और बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं लगता, ठीक है, बैलेंस हो जाता है। उसी से ब्लश और हाइलाइटर लगा लूँगी, ठीक है। ब्लश वाली क्लिप आई थिंक रह गई है मेरे से, फिर मैं अपना आईब्रोज फिल कर लूँगी। आईब्रोज फिल करना बहुत ज़रूरी है, अगर पूरा लुक कर लो और आईब्रोज ना फिल करो ना तो ऐसा लगता है कि भाई हमने लुक ही नहीं किया अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने मार्स की पैलेट ली थी 4-in-1 वाली, इसमें से अच्छे से मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर ली। फिर मैंने ब्लैक कलर लेके आईलाइनर की जगह स्मज किया। सॉरी मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ अच्छे से बिकॉज पापा मम्मी सो रहे हैं और थोड़ा सा भी ठंडी आ गई है ना, तो उस वजह से मैं तेज़ से नहीं बोल सकती, आवाज़ गूंजती है लाइक साउंड करती है बहुत ज़्यादा। मार्स का यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मस्कारा। देखो आज ना मैंने कोई भी फॉल्सेस नहीं लगाई, ग्लिटर्स नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया, तो मतलब इतने में लुक मतलब इनफ है, बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रस्ट मी। स्टे करके का यहाँ पे मैं प्रेपअप सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है गाइस, मुझे इससे ना आपका बेस बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मामाअर्थ की मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ इन द शेड, आई डोंट नो, रुक जाओ देख लेती हूँ, वुडी रोज़ इसका शेड है। फिर मामाअर्थ की मैंने रेड चेरी लिपस्टिक लगा ली, उसमें ना जस्ट मैंने कोरियन लिप्स लाइक ट्राई करने का कोशिश किया था। आप अगर टीनेजर हो ना तो बहुत अच्छा लुक है, लाइक आपको लाइट मेकअप पसंद है ना, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। हैवेल्स की मैंने चॉपस्टिक ली, यहाँ पे मेरी रिंग लाइट बंद हो गई थी बिकॉज मैंने यहाँ पे हैवेल्स की चॉपस्टिक का प्लग लगा दिया था। अच्छे से पूरे बाल्स मैंने अच्छे से पूरे बाल मैंने कर्ल्स कर लिए, ठीक है। आज मैं थोड़ा जुड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, मैसी बन टाइप्स, ठीक है। तो फिर क्या कर रही हूँ, बीच की मांग से ना मैं थोड़ा सा मैसी टाइप का एक बन, हाफ बन बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है।
हाफ बन बना लूँगी अच्छे से। उसके बाद जितने भी बाल है ना गाइस, देखो मैंने उसको छोटे छोटे एक एक लेयर जो भी मैंने कर्ल्स किए थे ना उसको ना पिनअप किया है पूरे बालों को, तो वो ना मैसी मैसी टाइप का लग रहा था। लहंगा मिंत्रा का है, इसका शॉर्ट वीडियो आएगा। स्काई ब्लू और ब्लू चूड़ी को मिला लिया और एक चूड़ी फंस रही थी, आई डोंट नो व्हाई, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी ना इस वजह से। मिंत्रा से ही मैंने नेक पीस मंगाया था, ये ना थ्रेड वर्क का है, थ्रेड वर्क का, इसको आप घर पे बना सकते हो लाइक ऐसा है, बट इसमें जो बहुत नीटली काम किया गया है ना वो बहुत अच्छा, वो शायद घर पे बन भी नहीं पाएगा ऐसा है। इसमें इयररिंग्स ऐसे मिले थे और ये आई थिंक 500 समथिंग का था। ये इसका दुपट्टा है, बांधनी इसको बोलते हैं ना, बांधनी वर्क का वैसा दुपट्टा है। तो ऐसा लुक मैंने आज का किया था दिवाली में। अगर आप सिंपल मेकअप करना पसंद करते हो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ है, बहुत ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है, डूई सा लग रहा है। प्लीज़ ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। प्लीज़ 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 शेयर करना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।